कलम है, शस्त्र वस्त्र संविधान है, देश का तिरंगा उस महामानव की शान है। जय भीम, जय भारत। मैं शशांक राय। आज भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती है। वो भीमराव जिसका संघर्ष ही जीवन था, अरे वो भीमाई का लाल जिस पर पूरे देश को अभिमान है, वो भीमराव अंबेडकर जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़ स्वाभिमान से जीना सिखाया। बेजुबानों की जुबान है वो, शोषितों की आवाज है, छुआछूत और ऊंच नीच की बेड़ियों को तोड़ी, महिला पुरुष के भेदभाव की मानसिकता को छोड़ी, नाम ही आदर्श है उनका, जीवन संघर्ष है, कलम है, शस्त्र वस्त्र संविधान है, इस देश के तिरंगे को भी उस भीमराव पे शान है। मगर आज अगर वो जीवित होते तो ममता बनर्जी जैसे नेताओं को देखकर शर्मसार हो रहे होते। एक 14 साल की मासूम सी दलित परिवार की बच्ची का रेप होता है, क्लास 9वीं में पढ़ रही उस बच्ची की जान चली जाती है। ये घटना इसी महीने की 4 तारीख की है, जब एक टीएमसी के नेता के लड़के का बर्थडे रहता है। उस बर्थडे पार्टी में इस लड़की को बुलाया जाता है और वहां पर इस लड़की के साथ अभद्रता होती है, और वो भी केवल इस नेता के सुपुत्र ही नहीं, उसके मित्रगण मिल के करते हैं। और उसके बाद इस बच्ची को शाम को इसके घर पे छोड़ा जाता है। वहाँ इसकी माँ न्यूज रिपोर्टर्स को बताती है कि शाम को 7-8 गुंडों के साथ हमारी बच्ची आई और इसके शरीर से खून गिर रहा था, अंदरूनी भागों से खून आ रहा था। इस बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ पे इसकी 5 अप्रैल को मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की खबर नेता के सुपुत्र को पता चल जाती है और वहाँ से फिर ये परिजनों पर दबाव बनाते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लाश को जल्दी से जल्दी जला दिया जाए, न ही पोस्टमार्टम कराया जाए, न ही कोई मेडिकल फिक्स रिपोर्ट्स बनवाई जाए। नेताजी के सुपुत्र यहीं तक नहीं रुकते हैं, ये तक धमकी दे डालते हैं कि अगर आपने पुलिस कंप्लेंट फाइल की या कहीं शिकायत की किसी प्रकार की तो आपका घर जला दिया जाएगा और आपको भी जान से मार दिया जाएगा। और यहाँ पर उस लड़की के पिता मृत्यु के बाद 5 अप्रैल के बाद वो अपोजिशन के नेताओं से मिलते हैं और वहां से सोर्स सिफारिश लगा के कैसे भी पुलिस कंप्लेंट फाइल होती है, और अपोजिशन के दबाव की वजह से उस नेताजी के सुपुत्र को जेल जाना ही पड़ता है। आखिर में कई आईपीएससी लगती हैं, उसमें वो जेल में चले जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। क्या सजा होगी, क्या सजा नहीं होगी, भगवान जाने। इस मामले पर ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है और वो टीएमसी की चीफ है, उनका एक ऐसा असंवेदनशील बेहूद भरा बयान आता है, वो भी एक राजनीतिक मंच से, जो कि उस छोटी बच्ची के जिस्म को छल्ली करने वाले उन हवसी दरिंदों से भी खतरनाक और दर्दनाक होता है, जो कि उस 14 साल की बच्ची को नोच खाए होते हैं। मोहतरमा उस बच्ची के परिजनों पर सवाल उठाती हैं, सहानुभूति देने के बजाय उन पर सवाल उठाती हैं, उस बच्ची के मौत पर सवाल उठाती हैं, कहती हैं कि अगर मृत्यु 5 तारीख को हुई तो 10 तारीख को FIR क्यों लिखवाई गई, जब लाश जला दी गई तो एविडेंस कहां से आएगा, पुलिस को तथ्य कहां से मिलेंगे। और यही नहीं रुकती, वो ये तक कह डालती हैं कि ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं जहां की लव जिहाद ठहरा कर लव जिहाद का नाम देकर सजा दिया जाएगा। एक राज्य की मुख्यमंत्री उतने बड़े सियासी मंच से उस 14 साल की बच्ची के लिए ये तक कह डालती हैं कि किसे पता इससे पहले वो कहीं और गई होगी, किसे पता वो उससे पहले से ही प्रेग्नेंट होगी, किसे पता उसके साथ क्या हुआ होगा, जब लाश जल गई तो सबूत कहां से आएगा। मुख्यमंत्री साहिबा यहीं तक नहीं रुकती, वो कहती हैं कि अब उसमें वो क्या कर सकती हैं, जब वो उनका आपसी अफेयर चल रहा था पहले से ही, वो किसी के प्रेम संबंधों को तो नहीं तोड़ सकती, ये कोई उत्तर प्रदेश तो नहीं है जिसे लव जिहाद का नाम देकर उनको सजा दी जाए। ये शब्द सुनकर, उनके ये वाक्य सुनकर मेरे दिमाग में बस यही आया, शायद उस दिन खुल जाएगा ताला संविधान की पेटी का, शायद उस दिन खुल जाएगा ताला संविधान की पेटी का, जिस दिन होगा रेप किसी मिनिस्टर की बेटी का, जिस दिन होगा रेप किसी मिनिस्टर की बेटी का। क्या आज फिर इंसानियत पर हैवानियत की जीत हो गई, क्या आज फिर किसी मासूम सी बच्ची की चीख हो गई, क्या आज फिर किसी मासूम सी बच्ची की चीख हो गई।